हैं आपको हजरत निजामुद्दीन हुसैनी बगदादी जो मड आइलैंड में है उनकी जेटी में हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो गाड़ी को बाइक को डालने के लिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये तरीका होता है गाड़ी को निकालने के लिए। तो अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों हम लोगों ने वो जेटी जो है वो छोड़ दी है जिससे स्कूटी को जब हम लोग गुजर रहे थे तो मस्जिद में से अजान की आवाज़ आ रही थी जोहर की। यहाँ पे इसके ऊपर है यहाँ पे वो दरगाह वहाँ पर है और ये मंदिर और चर्च ये तीनों एक अजमेर शरीफ के खादिम में आदमी ज़ियारत पे आया था। ये हजरत निजामुद्दीन बाबा की दरगाह। आपका नाम? मेरा मोहम्मद चिश्ती। नाम सुना तो मकसद बना लिया कि चलो मैं तो जा ही रहा हूँ ज़ियारत करने, लोगों को भी ज़ियारत करवा दो तो ये नेक काम के अंदर। लोग देख सकते हैं माशाल्लाह ये ऐसी एक करामती दरगाह है कि माशाल्लाह पूरे पानी के बीचों बाहर का हिस्सा है। पहले हम लोग बाहर का हिस्सा माशाल्लाह हमें बिना खाना खाए भेजा नहीं, बोले कि मतलब तीन चार बार बोल दिया कि नहीं खाना खा के तो अगर आप लोग आए यहाँ पे तो जुमेरात थर्सडे के दिन आए ज़ियारत के लिए। आप अगर आप आए तो यहाँ पे यही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका दोस्त और भाई अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोग को मड आइलैंड में लेके आया हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन बगदादी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोग को ज़्यारत करवाऊँगा। और मैंने आप लोग को अभी तक का पूरा रास्ता बताया कि आप लोग वर्सोवा से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके दरगाह तक कैसे पहुँचना है वो मैंने आप लोग को पूरा डिटेल से बताया। मेरे प्यारे भाई और बहनों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इस व्लॉग को आप आखिरी तक देखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया मैं आपको हज़रत निज़ामुद्दीन हुसैनी बगदादी जो मड आइलैंड में है उनकी दरगाह शरीफ वो मैं आप लोग को उधर लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्सोवा से अभी निकले थे, तो वर्सोवा से निकले थे तो हम लोग अभी जेटी में हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले तो गाड़ी को बाइक को डालने के लिए। तो आप लोग को मैं तरीका बताऊँगा जैसे वर्सोवा से आप लोग को अगर मड आइलैंड जाना है डायरेक्ट कट शॉर्ट कम टाइम के अंदर तो आप लोग को यहाँ पे आपको बाइक पार्क लेके जाना पड़ेगा, बाइक आपको ले जाना होगा और फिर उसके बाद आपको वो क्रॉस कर देगा आपको सामने और वहाँ से फिर आपको वापस से एक जेटी लेके आपको दरगाह पे जाना है। तो ये कैसा सफ़र रहेगा मैं आप लोग को बताऊँगा अभी। मेरे प्यारे भाई और बहनों बने रहे आप लोग इस ब्लॉग के अंदर आखिरी तक देखें और बिना स्किप करे देखें। ये हमारे फैज़ भाई है छोटे भाई। फैज़ू आराम से आ। वही लोग अंदर डालेंगे आप लोग डालेंगे ना गाड़ी जगह तो होना चाहिए। डाल दो एक तो डाल दो अभी तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये तरीका होता है गाड़ी को निकालने के लिए और अंदर लेके जाने के लिए। ये देखिए और इसका किराया 20 रुपये होता है यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए उस पार लेके जाने के लिए। कितना 20 रुपये लगेगा? 5 रुपीस बस। अच्छा मेरे को लगा 20 रुपीस लगेगा। अच्छा अच्छा और गाड़ी का 20। ओके सर थैंक यू। तो आ गए हम मैं और फैज़ स्कूटी लेके अंदर आ गए हैं और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे।
तो अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने वो जेटी जो है वो छोड़ दी है, जिससे स्कूटी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगे होंगे सिर्फ। वो वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था अंदर, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाया ज़्यादा मैं आते वक्त। और आपको मैं अभी इंशाल्लाह दरगाह पे मैं लेके चलता हूँ। पानी के बीच में है ये वाली जो दरगाह जिस पे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी एक और हमें एक और जेट्टी लेके एक और अगले वाले जो आइलैंड है, बीच है, उस पे जाना है हमें। और वहीं पर ही है वो दरगाह। और ये जो दरगाह है उसके पास में एक मंदिर भी है और चर्च भी है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा इंशाल्लाह इसी ब्लॉग के अंदर। तो बने रहे आप इस ब्लॉग को आखिरी तक देखें और बिना स्किप करे देखें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम लोग अभी हज़रत निज़ामुद्दीन हुसैनी बगदादी बाबा की दरगाह पे हम लोग जा रहे, तो जब हम लोग गुज़र रहे थे तो मस्जिद में से अजान की आवाज़ आ रही थी ज़ोहर की, तो इसलिए हम लोगों ने अभी रोक लिया थोड़ी देर के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो व्लॉग है वो पूरा जारी रहेगा आप लोग के लिए। पूरा व्लॉग को आप आखिरी तक देखें और इंशाल्लाह नमाज के अंदर भी मैं आप सब के लिए दुआए खैर करूँगा। इंशाल्लाह आपके जितने भी तकलीफ़ात हैं, मुश्किलात हैं, जितने भी आपके जो परेशानियाँ हैं, इंशाल्लाह जितने भी लोगों ने मुझे दुआओं के लिए भी बोला है, इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआए खैर भी करूँगा इंशाल्लाह। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को ये मस्जिद भी दिखा देता हूँ। अभी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह, और अभी हम लोग चलेंगे दरगाह के ऊपर। हज़रत निज़ामुद्दीन बगदादी हुसैनी और ये दरगाह, ये मस्जिद में हम लोगों ने नमाज़ अदा करी थी अभी। नो, जब मड आइलैंड पहुँचेंगे तो आपको बोलना है कि हमें अम्बोहा जाना है। तो अम्बोहा से जेटी जाती है, वहाँ पे भी सुना कुछ 20-20 रुपए सवारी लेते हैं। और खैर पैसे की बात नहीं है, पर ये मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये कितना क्या अमाउंट लिया जाता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ज़्यादा बड़ा कुछ ख़र्चा नहीं है, अगर आपके पास स्कूटी है तो ज़्यादा कुछ बड़ा ख़र्चा नहीं होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो आइए अम्बोहा हम लोग आपको लेके चलते हैं, वहाँ से फिर इंशाल्लाह। जी चाचा, आगे से पीछे से था। तो चाचा को हमने पूछा था पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि दरगाह पे जाना, तो रास्ता हमें बता रहे। ऐसे भी माशाल्लाह लोग हैं खैर करने वाले जो। जी चाचा, इधर से शुक्रिया। ऐसे भी माशाल्लाह खैर करने वाले लोग हैं जो भटकते हुए राही को रास्ता बताने वाले। सही बात है ना फैज? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूखे सूखे बॉम्बिले और मछलियों को सुखा के यहाँ से इनको फिर भेजते हैं। थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ पे अभी इस वक्त। तो आप लोग को जो है बोलना है कि हमें अम्बोहा जाना है, तो अम्बोहा के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ से आपको एक और जेटी मिलेगी,
बोट मिलेगी और फिर उससे आप दरगाह की तरफ आप जा पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये दरगाह वो तरफ है। ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बस ये देखिए आप लोग, यहाँ पे इसके ऊपर है, यहाँ पे वो दरगाह वहाँ पर है और ये मंदिर और चर्च, ये तीनों एक साइड में ही बने हुए। तो हमें क्रॉस करके वहाँ पे जाना है। चलो फिर जेटी देखते हैं कि मिलती है कि नहीं हमें आज के दिन। हमसे काफ़ी फिल्मों के यहाँ पे शूटिंग भी हुए हैं, यहाँ पे पहले काफ़ी फेमस जगह है और हमें वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है हमें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग को यहाँ से होते हुए आप लोग को जाना है और यहाँ से वो साइड क्रॉस करने के लिए आपको एक जेटी लेना पड़ेगा। तो हम लोग वही जेटी को ढूंढ रहे कि कहाँ मिलेगी। थोड़ा सा पूछताछ करते हुए आना पड़ेगा, आपको अम्बोहा बोलना होगा कि अम्बोहा जाना है और वहाँ से भाई कहाँ मिलेगा बोट, बोट बोट आगे मिलेगा, बोट आगे मिलेगा, आगे इधर से। आप लोग देख सकते हैं मछुआरे यहाँ पे जितने भी है सब मछलियाँ लेके जा रहे हैं यहाँ से और फिर पूरे मुंबई के अंदर यहाँ पे फिर यहाँ से भेजा जाएगा मछलियों को बेचने के लिए। बस इधर ही दबा दे। ये देख सकते हैं आप लोग छोटी छोटी मछलियाँ हैं ये और हमें जाना है वहाँ पे दरगाह पे। तो देखते कौन हमें लेके जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे तो कोई जेट्टी तो दिख नहीं रही है, कोई बोट भी नहीं दिख रही है। भाई उधर जाने का है, हाँ इधर से उधर जाना पड़ेगा चल के। अच्छा ऐसा ही होता है वहाँ जाने के लिए। भाई रुको एक मिनट, रुको भाई, हाँ बोलो ना। बोलो काय सांगला, काय सांगला, लवकर लवकर, इकडे बघ इकडे बघ, इकडे बघ मतलब इधर आ ना, तो अच्छा इकडे बघ मतलब इधर देख। थोड़ा स्लिपरी है ये, थोड़ा चलिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोग को अभी लेके चलता हूँ वहाँ पे दरगाह के ऊपर, ज्यारत करा देते हैं आप लोग को पहुँचे। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं, ये वाले जेटी है इसमें हम लोग आपको लेके जाएंगे। जी जी अजमेर शरीफ के खादी में अभी ज्यारत पे आया था, ये हजरत निजामुद्दीन बाबा के दरगाह। आपका नाम? मेरा मोहम्मद चिश्ती। नाम शिवाय मारो खुदी मारो। अभी मियाँ साहब आए थे मेरे, पतुल मियाँ। कौन? पतुल मियाँ। पतुल पतुल मियाँ साहब आए थे शायद कल गए। जी जी लगता है। अच्छा अच्छा मुंबई आए थे? हाँ मुंबई आए थे, जी जी तीन चार दिन से। जी 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 अच्छा, वो आपके खादिम होंगे। हाँ जी 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 आप कभी आए? मैं तीन दिन हो गए, मैं एक हफ्ते के लिए आया था, अभी चार दिन और बचे। अच्छा तो मेरा यूट्यूब चैनल है, हाँ अजमेर दरगाह से तो मैं आता ही हूँ, जितने भी अजमेर दरगाह में प्रोग्राम होते हैं पूरे साल इंशाल्लाह मैं वो दिखाता ही रहता हूँ, 2400 घंटे जो भी प्रोग्राम रहते हैं। और साथ के साथ और मैं जब दूसरी जगहों पे जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ ज्यारत पे, तो मैंने एक वो मकसद बना लिया कि चलो मैं तो जा ही रहा हूँ ज्यारत करने, लोगों को भी ज्यारत करवा दो, तो ये नेक काम के अंदर लगाऊँ मैं अभी इंशाल्लाह।
आज़ादी का पहले इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे भाई है, क्या ना भाई है ना, सैयद मीर अली भाई है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कोई बोट के लिए, और आज संडे का दिन है और बताया जा रहा है कि ये थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन ही यहाँ पे बोट्स अवेलेबल होते हैं। बट फिर ये हमारे मीर भाई जो है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह आपको, इन्होंने हमको बोला हमको लेके जाएंगे दरगाह पे, और फिर रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देख सकते हैं आप लोग सामने वहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत कम लोगों ने आपको ऐसी दरगाहों की, जैसे मैं आप लोग को करवाता हूँ अलग अलग कोनों में जाके हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ तक मैं पहुँच के आप लोग को मैं ज़्यारतें करवाता हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये हमारे फैज़ भाई है हमारे साथ में, जब भी हम मुंबई आते दरगाह ज़्यारतों पर हमारे साथ तो लगते ही है, छोटे भाई हमारे यहीं मुंबई में रहते हैं। अच्छा मेरे नंबर पे मारा था फोन तूने, अबे लेकिन वो कार्ड बंद है, फिर भी चलता है, वो कार्ड निकल गया उसमें से, फिर भी चालू है। हाँ तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वाली जो बोट है वो हमें छोड़ के जा चुकी है, और अभी इस वक्त मैं और फैज़ दोनों मिलके आप लोगों को लेके जाएंगे ज़्यारत पे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, ऐसे पूरा मतलब आइलैंड के बीच में, हमें दो बोट्स लेके आने पड़े यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मतलब इतना आसान नहीं था, थोड़े थक भी चुके हम लोग। और ये इंशाल्लाह आज हम लोगों ने 5 से 6 दरगाहों की हमने आज व्लॉग बनाए, और इंशाल्लाह व्लॉग दर व्लॉग एक के बाद एक इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स उतारते चले जाऊँगा, और एक 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 के साथ एक मैं इंशाल्लाह आप लोगों तक मैं इंशाल्लाह पहुँचाता रहूँगा व्लॉग्स। और ये आज की जो ज़्यारत है मुंबई के अंदर इंशाल्लाह आखिरी ज़्यारत होगी, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लौट जाएंगे, मैं लौट जाऊंगा अजमेर शरीफ, और इंशाल्लाह फिर उर्स का महीना इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, आगाज़ हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक मैं व्लॉग्स वीडियोस के ज़रिए मैं आप लोग को ज़्यारतें करवाऊं। और ये जैसे आप लोग को मैं बता रहा था कि मंदिर और चर्च, और ये हज़रत निज़ामुद्दीन हुसैनी शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह ये ऐसी एक करामती दरगाह है कि माशाल्लाह पूरे पानी के बीचों बीच बनी है ये दरगाह। और आपको यहाँ पे ज़ायरीन भी दिखेंगे, वैसे यहाँ पे आप लोग अगर आना चाहें तो आप लोग जुमेरात के दिन ही आए, क्योंकि जुमेरात के दिन यहाँ पे जो जेटी है, जो बोट्स चलती है, वो ज़्यादातर जुमेरात के दिन ही चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दरगाह हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन हुसैनी शाह बगदादी। और हमने सुना है कि ये इमाम हुसैन के औलादों में से है, तो वो भी हम लोग उसकी पुष्टि कर लेते हैं हम लोग यहाँ के किसी से पूछ के, जो कोई खादिम हज़रात होंगे यहाँ पे। पहले जूते रख लेते हैं, आजा पहले शूज़ रख ले। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे जो व्लॉग्स हैं मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को पूरा वीडियो डाल के दिखाऊं, मैं कट पेस्ट एडिट में मैं बिलीव नहीं करता, जो सामने है ना फेस, वो हम लोग दिखाते हैं मेरे चैनल के ऊपर डायरेक्ट बिना एडिट किए कुछ। और यही मतलब आपको जो चीज़ है, मतलब जो ज़्यारत करने का फीलिंग है, वो आपको असल वाली वो तभी मिलेगी। और ये दरगाह के बाहर का हिस्सा ही, पहले हम लोग बाहर का हिस्से के किस हिस्से को देख लेते, फिर इसके अंदर मैं आप लोग को अंदर लेके जाऊंगा ज़्यारत पे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, फूल मिल जाएंगे पेश करने के लिए?
हाँ फूल नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप लोग को लेके चलता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह मिश्ता, ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह गुंबद के नीचे हम खड़े हैं अभी, और यहाँ पे माशाल्लाह आयते कुरानी सब लिखा हुआ है माशाल्लाह। या अली या फातिमा या हसन या हुसैन या अल्लाह, माशाल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। यहाँ पे जो खादिम है उनसे हम लोग एक बार बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हजरत, तो थोड़ा मेरे जो चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त तो देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले महीने में भी देखेंगे, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि मुंबई के अंदर ऐसी जगह पे एक दरगाह है जहाँ पे वली अल्लाह आराम फरमा रहे हैं हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन बगदादी। सैयद निज़ामुद्दीन हुसैनी साहब बगदादी औलिया जी, ये मड आइलैंड लगता है और यहाँ पे फरवरी में होता है। कौन से फरवरी? फरवरी अभी 16-17 तारीख को होगी। अच्छा माशाल्लाह, और 16-17 तारीख को जुमेरात के दिन दरवाज़ा खुला रहता है। दरवाज़ा तो रोज़ खुलता है जी, लेकिन बोर्ड मिलने पर डिपेंड है, तो जुमेरा तो संडे को तो मिल ही जाती है। और आप हजरत निज़ामुद्दीन हुसैनी साहब बगदादी औलिया जी, आप बगदाद शरीफ से आए हुए हैं माशाल्लाह, और आप हुसैन के घराने से हैं, इमाम हुसैन के घराने से। वही मैंने सुना था वीडियो, जुमेरात के दिन 20 रुपया लेता है जी, ऐसे टाइम पे आएंगे तो कुछ ज़्यादा भी ले लेते जी। और 4 बजे लोमान होता है, 4 बजे के बाद में यहाँ किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त है तो गुसल वाले दिन एक दिन रुक सकते हैं, जुम्मा का दिन पड़ता है जी, जुम्मा शनिचर, जुम्मा को हमारा गुसल का दिन होता है। 16 तारीख को गुसल है, 17 तारीख को संदल है जी। और जो हजरात आते हैं नियाज वगैरह होती है, तीन दिन यहाँ हमारा लंगर चलता है सुबह शाम। कितने ज़ायरीन आते हैं वो दिन पे? वो उसका कोई हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं है, एकदम भर जाता है। 50 से 60 बोट चलती है, लाइटिंग सब 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 पूरी इंतजाम होता है, सब हर चीज़ का इंतजाम होता है, सब कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। मुझको भी यहाँ खिदमत करते हुए 10 साल हो गई, उससे पहले भी जो खादिम थे हाजी मोहम्मद अयूब बाबा, उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने यहाँ पे 60 साल उन्होंने यहाँ पे बिताए, तो उन्होंने जाने के टाइम पे फिर यहाँ पे बोल के गए ट्रस्टी हजरात को कि मेरे बाद में ये सलीम रहेगा, तो इसके लिए है आप यहाँ। तो अभी हम खिदमत करते हैं, जो भी आया उनकी इज्जत करते हैं, यहाँ कोई भी आओ कि यहाँ कोई दीन धर्म का मामला नहीं है, यहाँ लाए के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। और हजरत निज़ामुद्दीन बगदादी यहाँ का एड्रेस कब आए थे यहाँ पे? अभी 200-250 साल से ये गाँव वालों को मालूम, अब उसके आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत कदीमी होगी इधर गई है माशाल्लाह। और ये यहाँ पे लाइन से एक चर्च भी है, मंदिर भी है। हाँ मंदिर है, चर्च है, तो वहाँ पे जब लोग आते हैं वहाँ पे जाने के लिए चर्च और मंदिर में, तो लोग यहाँ पे आते भी होंगे? यहाँ पे पहले इधर ही आते माशाल्लाह, इधर गाँव के अंदर देवी मंदिर है,
ये गांव वाले लोग भी बहुत बाबा को मानते हैं। अगर इनके घर में कुछ भी प्रोग्राम रहेगा, शादी वगैरह या कुछ भी, इनकी बोर्ड अगर पानी में भी जाएगी तो पहला नारी लोग बाबा पे चढ़ाते हैं। घरों में अगर किसी भी शादी है तो पहला कार्ड लाके बाबा के नहीं रखते। ये गांव वाले भी बाबा को बहुत मानते हैं। क्या तो क्यों ये गांव बाबा को अच्छा लगा तो बाबा आकर के यहाँ पे बसे और पानी के बीच में तन्हाई में बसे, इसलिए कि तुमको मालूम है बाबा को ज़्यादा तो सवारा नहीं पसंद। सही बात है वो। आज देखो आज हम लोग 2023-24 लगने वाला, अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे वीरान जगह में आ गए, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, ना कोई चल रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई आ रहा है। जुमेरात के दिन पूरा चहल पहल रहेंगे आपको, एक दिन पूरा हफ्ते में एक दिन, और बारिश में 4 महीना बन रही। बारिश के 4 महीना में अकेला आता हूँ, अकेला जाता हूँ, थोड़ा रिस्की रहता है। हाँ पूरा तूफान रहता है ना, मेरे को क्या है, गाँव वाले है या मच्छी पकड़ने वाले, उन लोग सुबह लेकर के आते हैं, शाम को लेके जाते हैं। 4 बजे लोहन करता हूँ मैं, 4 बजे के बाद में उतर जाता हूँ। हाइड टाइम पे यहाँ रुकता भी हूँ, रात में मैं अकेला रुकता हूँ, मेरे सिवा रुकता हूँ मैं, और मेरे सिवा यहाँ कोई रुक नहीं सकता। और यहाँ पे कोई ऐसे जानवर कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मोहम्मद सलीम साहब जो यहाँ के खिदमत गुजारे खादिम हैं, ये दरगाह के हज़रत निज़ामुद्दीन बगदादी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के, इन्होंने हमें माशाल्लाह काफ़ी करामात बताए, काफ़ी डिटेल से बताया कि यहाँ पे कब क्या होता है। और हज़रत मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ और मैं खादिम हूँ अजमेर दरगाह का। हम लोग दरबार गरीब नवाज़ में 800 साल से हैं, मेरे जद्दे अमजद और जितने भी खान का हमारी है अजमेर के अंदर ही गद्दी है हमारी दरगाह के, मोहम्मद चिश्ती नाम है, मोहम्मद चिश्ती। इंशाल्लाह दरबार गरीब नवाज़ में हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, आपके नाम से इंशाल्लाह अर्ज़ी लगा देंगे, इंशाल्लाह ख्वाजा बाबा आपका बेड़ा पार करे, इंशाल्लाह आपके और आपके सब घर वालों का इंशाल्लाह। कुछ नियत खाना वगैरह है तो आपका काम बेड़ा पकड़। जज़ाकल्ला, मैं बस अपना रास्ता पकड़ लूँगा, मैं चले आऊँगा, बस ज़्यारत करने ही आया था। जज़ाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। मत करो नहीं लगते जी गए, आप जहाँ से आए वहाँ से हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वहाँ के खादिम क्योंकि वो आप पढ़ाता है रसूल है कि यहाँ से आए हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हजरत निज़ामुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हम दरगाह पे आए हैं, और काफ़ी मैंने आप लोग को यहाँ पे ज़्यारत करवाई, डिटेल करवाई है। ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह कैसे करामती दरगाह है यहाँ पे, ये पूरा पानी के जस्ट लग के दरगाह है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे, यहाँ के जितने भी खिदमत गुजार लोग हैं माशाल्लाह, हमें बिना खाना खाए भेजा नहीं, बोले कि मतलब 3-4 बार बोल दिया कि नहीं खाना खा के ही जाना। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह ये लंगर यहाँ पे दरगाह पे मिल रहा है, और उन्होंने हमें दिया है माशाल्लाह खाने के लिए लंगर। तो माशाल्लाह आज बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करके खाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आप लोग देखिए, हमें यहाँ पे अभी वेट करते हुए यहाँ पे कुछ 15-20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग आए दरगाह शरीफ से, आए हज़रत निज़ामुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी की दरगाह से, और यहाँ पे कोई बोट नहीं मिल रही है, तो अभी हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जस्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब अगर आप लोग आएँ यहाँ पे तो जुमेरात थर्सडे के दिन आएँ ज़्यारत के लिए, आप अगर आप आएँ तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जुमेरात थर्सडे के दिन यहाँ पे जी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बोट्स चलती हैं, और वही दिन पे वही टाइम पे आप लोगों के लिए सहूलियत भी सही रहेगी।
अभी अगर आप जैसे जवान लोग आ रहे हैं तो ठीक है, आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं, बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा आप लोग को इनकन्वीनियंस हो जाएगा, थोड़ा परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोग जुमेरात के दिन आएँ यहाँ पे, जब तक यहाँ पे कोई ऐसे इंतज़ाम ना हो जाए जहाँ पे बोट्स के लिए चलने के लिए यहाँ पे डेली इंतज़ाम हो जाए कि पूरा हफ्ता यहाँ पे बोट्स चलने लग जाए। तो बस यही मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, ताकि आप लोग यहाँ पे कभी आए तो जुमेरात के दिन आए। ये आप लोग देखिए, मैं आपको पूरा पानी के बीचों बीच ये दरगाह है माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। ये हज़रत निज़ामुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी के दरगाह पे हम थे आज। मैंने आप लोग को तफसील से बताया, बारीकी से बताया कि आप लोग को अगर यहाँ पे आना है तो कैसे आना है, और ये दरगाह मड आइलैंड के अंदर है। पूरे मैंने जानकारी आपको डिटेल से बताई है कि आप लोग को यहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इंशाल्लाह अब जो जितने भी ब्लॉग्स बनेंगे वो वापस मैं अजमेर शरीफ लौट जाऊंगा, और जितने भी ब्लॉग्स मैं अब बनाऊंगा वो अजमेर शरीफ से ही बनाऊंगा आप लोग के लिए वापस। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक मैं इंशाल्लाह ऐसे ही दरगाह ब्लॉग्स के साथ बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह। Oh,